हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं बना रही हूँ अजवाइन का पानी। यहाँ पे मैंने एक चम्मच अजवाइन ले ली है और इसको मैं एकदम गर्म पानी में बॉइल वाटर में सोक कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पानी को बॉइल कर लें पतीली में चाय की तरह और उसमें अजवाइन को पका लें, और जब इसका कलर चेंज हो जाए उसके बाद इसको आप छान के डाइल्यूट करके पी सकते हैं। बच्चों को 2 चम्मच दे दें सुबह शाम, या उनके दूध में भी मिला के दे सकते हैं। और ये है अजवाइन की पोटली। ये मैंने सारा के लिए बनाई थी, लेकिन सारा की तबीयत अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जब ख़राब थी जब मैंने बनाई थी, और मेरी अभी थोड़ी सी ख़राब है, बाकी सब घर में ठीक है। और ये देखिए, ये अजवाइन, अगर जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो सारा जब छोटी थी 3 मंथ्स की, जब वो अपनी नानी के थी, जब उसकी खाला ये सब बहुत करती थी, उसकी खाला और नानी इस तरह से पोटली बनाना है आपको अजवाइन की। अजवाइन को तवे पे अच्छा गरम कर ले कि उसमें से धुआं आने लगे, फिर पोटली बना के इसका बच्चों को सेक दें जब वो सो जाए चेस्ट के पास, और जब वो सो जाए तो उनके तकिए के पास सब रख दें, तो इससे सर्दी जो कोल्ड एंड कफ है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और ये है राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ये मैंने लुलू से लाया, ये तो हर जगह मिल जाता है। और इसका भी आपको तेल बना के रखना है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब आप मेडिसिन देते हैं उसके साथ अगर आप ये करते हैं तो बहुत जल्दी उनकी सर्दी ठीक हो जाती है। तो आपको तेल कैसे बनाना है कि एकदम उसको गर्म करना है, जैसे हम दाल कैसे पकाने के लिए गर्म करते हैं वैसे एकदम उसको गर्म करें, और फिर उसमें लहसुन के टुकड़े डाल दें 3-4, और जब लहसुन जल जाए जब तो उसको छान लें और छान के एक बॉटल में रख लें। फिर जब भी बच्चे को सर्दी हो, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मौसम भी चेंज हो गया है, तो फिर उसके फीट पे ये तेल लगाएं, उसके चेस्ट पे जैसे हम विक्स लगाते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, इससे जल्दी ही सर्दी एकदम चली जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको अजवाइन की पोटली बना लेना है और फिर बच्चे को सेक देना है। जब फैमिली के बीच में रहो तो ये थोड़ी आराम हो जाती है कि बच्चों को देखने के लिए कोई रहता है, लेकिन जब अकेले रहो तो फिर आपकी ड्यूटी जो 24/7 हो जाती है कि रात में भी वो लोग सताते हैं और दिन में भी। और ये लास्ट वीक का है यहाँ का, और मौसम अचानक से एकदम ज़्यादा ही चेंज हो गया। वैसे तो थोड़ी ठंडी थी, लेकिन एक बार फिर ट्यूसडे को बारिश हुई, उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही अच्छा हो गया, और इसकी वजह से सब बच्चों को यहाँ पे वायरल हो गया, बड़ों को, बच्चों को, हर किसी को। तो यहाँ पे वेदर अब इतना अच्छा हो गया है कि 18 डिग्री चल रहा है, ना आपको एसी की ज़रूरत है और ना फ़ैन की। तो नॉर्मल डेज़ में तो आप लोग को मैं बताती हूँ हमेशा यहाँ बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। और अगर कोई विज़िट करना चाहता है, ओमान है, दुबई है, सऊदी है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और अगर आप इस तरह से आउटिंग बीच इंजॉय करना चाहते हैं, वरना फिर मज़ा नहीं आता है, बस वही आप मॉल जा सकते हैं और या फिर घर पर रह सकते हैं। तो बेस्ट टाइम है कि आप दिसंबर और जनवरी में विज़िट करें। तो जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन यहाँ पे स्कूल्स भी बंद थे, और जहाँ पे वादी, मतलब जहाँ पानी भर जाता है, वो ऑफिसेज भी बंद थे। हमारी कार नहीं निकल सकती है ना, जाना नहीं, अभी वो पागल ही हो गया, वो कार नहीं निकल सकती, जाना किस पर, मज़ा किस पर। और ये देखें, यहाँ पे पूरा पानी भर गया है बारिश की वजह से, वादी आ गई है, और ये वही बीच है जहाँ हम अक्सर आते हैं, जो अक्सर आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते हैं। नॉर्मल डेज में ग्राउंड रहता है ना पूरा, हाई टाइट लग रही है ना, लेकिन वेव्स आगे तक आ रहे हैं ना, तो इसलिए मुझे लगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ये सब पोस्ट किया था, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोग अपडेटेड होंगे, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो प्लीज़ जल्दी से फॉलो करें, चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी भी आ सकते हैं हम लोग खाना के, एक राउंड मारते हैं और चलते हैं रेमन से। हाँ, अपने लिए लंच कर लेते फिर आ जाएंगे, शाम तक रह सकते हैं हम लोग, तो पौने 3 बजे तो 4 बजे तक वापस आ जाएंगे।
अपनी मुरादें मैं तो मांगो। लेकिन ये बात सही, सर्दी की वजह से मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैंने कोई भी वीडियोस लास्ट वीक से अपलोड, एक हफ़्ता शायद हो गया है कि मैंने कुछ अपलोड नहीं किया। बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है अपलोड के लिए, इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। और ये ब्लॉग बहुत छोटा है, बस मैंने सोचा क्यों ना एडिटिंग करके आज अपलोड कर दूँ। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फोकस करो, फोकस। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ से उठा भी पिछले राउंड मार गया क्या? रस्ते